मुख्यमंत्री जी सनातनी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कीजिए, राजद की संगति में पड़कर आपका विवेक मर गया है। भाजपा का जो दुष्टीकरण है उसके डर्टी माइंड का कोई जवाब नहीं हो सकता है। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी छुट्टियों को कैलेंडर को लेकर के बिहार में की सियासत जो है गर्म हो चुकी है। आपको बताते चले कि लगातार जो है बीजेपी के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे कि आखिर में जिस तरीके से सरकार की मंशा क्या है, या एक तरफ जहां छुट्टियों में जो कटौती की जा रही, हिंदुओं की छुट्टी में कटौती की जा रही, वही जो मुस्लिम की छुट्टी है उसमें यानी बढ़ोतरी की जा रही, आखिर में सरकार की मंशा क्या है। सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने लगी है और ये जो छुट्टी की घोषणा की गई है 24 का कैलेंडर है और 24 में चुनाव ही की भी है और साफ साफ ये जाहिर हो कि जिस तरीके से यानी बिहार सरकार नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, चिंगारी भड़का रही है 24 में, ये जेडीयू ही नहीं पूरी की पूरी महागठबंधन की सरकार ये चिंगारी में ये झुलस जाएगी। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करे बीजेपी के नेता। मुस्लिम तुष्टिकरण की हद हो गई, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, जितिया, तीज और दुर्गा पूजा के लिए पूर्व से आ रही छुट्टियों में कटौती और ईद बकरीद व अन्य मुस्लिम त्योहारों के लिए पूर्व से घोषित अवकाशों में बढ़ोतरी, आखिर सरकार की मंशा क्या है, इसे स्पष्ट करना होगा। मुख्यमंत्री जी सनातनी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कीजिए, राजद की संगति में पड़कर आपका विवेक मर गया है। 2024 के लिए शिक्षा विभाग द्वारा घोषित छुट्टियों के कैलेंडर देख आम जनता गुस्से में है। लोकसभा का चुनाव भी उसी साल होने वाला है, आपको लेने के देने न पड़ जाए। सांप्रदायिकता की चिंगारी आपने सुलगा दी है, वह दिन दूर नहीं जब यह चिंगारी भयावह आग का रूप लेकर आपकी पार्टी में महागठबंधन को भी भस्मीभूत कर देगी। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी ने तंज कसते हुए साफ साफ कह दिया कि आखिर में सरकार की मंशा क्या है। एक तरफ जहां हिंदुओं की छुट्टी में कटौती की जा रही, वहीं मुस्लिमों की छुट्टी में बढ़ोतरी की, आखिर में सरकार की मंशा क्या है। अब सुनवाते हैं आपको आरजेडी के प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, 220 दिन स्कूल में उपस्थित के बच्चों को होनी चाहिए, एक गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया है। छुट्टी का जो कैलेंडर निर्धारण की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, भाजपा है तो वह मचा रही है। छठ की छुट्टी बढ़ी है कि नहीं, दीपावली की छुट्टी है कि नहीं, दशहरे की छुट्टी है कि नहीं, होली की छुट्टी है कि नहीं। हाँ, एक छुट्टी की बात जो रक्षाबंधन की हो रही है उस पर सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए और देखेगी भी, हमें इन बातों का आकलन है। और जहां तक मुहर्रम का छुट्टी तो बढ़ा है तो बाकी तो घाटा भी तो है, जानकारी है कि नहीं है। भाजपा का जो दुष्टीकरण है उसके डर्टी माइंड का कोई जवाब नहीं हो सकता है, कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा से, बच्चे पढ़े इससे क्या लेना देना है। वो तो चाहता है कि जो भी गरीब गुरबा लाचार बेबस किसान मजदूर का बाल बच्चा पढ़े ही नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया कि जो स्कूल का गाइडलाइन यानी भारत सरकार का जो गाइडलाइन है कि बच्चों को 220 दिन स्कूलों में रहना है और साथ ही जिस तरीके से छुट्टी की बात कर रहे थे ये लोग अनर्गल पलराप कर रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।